हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ मॉल, रात के 12 बजे। बट क्या करने जा रहे, चलिए मेरे साथ में ब्लॉग में बने रहिए। कंटिन्यू ऊपर चलना है, ऊपर साइड से, इस साइड से, इस साइड से। कितने का है? ये नहीं चाहिए क्या? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज मैं कोई भी रेसिपी लेके नहीं आई हूँ, आज मैं ना छोटा सा ब्लॉग लेके आ रही हूँ, क्योंकि माय बेस्ट बेबी फर्स्ट शॉपिंग ब्लॉग लेके आई हूँ। जैसे कि आप लोग को मैंने पहले से ही कम्युनिटी पोस्ट कर दिया था, मैं 8 मंथ स्टार्ट प्रेगनेंसी हूँ, तो माय फर्स्ट शॉपिंग वीडियो। तो कुछ मैंने अमेजोन से परहेज किया है, अमेजोन हॉल से, तो कुछ मैंने पास वाली नियर में मॉल में जाके ये परहेज किया है। तो आपको मैं वन बाय वन आज मैंने क्या क्या शॉपिंग किया अपने बेबी के लिए, मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। वैसे तो हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले ये सब करना नहीं चाहिए, लेकिन जिसके आगे पीछे ना हो उसको तो पहले से प्रिपरेशन करके रहना पड़ता है ना। तो सो इसलिए मैंने पूरा कम्प्लीटली तो नहीं, लेकिन शॉपिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। लेकिन जो जरूरत की इम्पोर्टेंट मैंने सामान है अभी मैंने शॉपिंग करके लेके आ गई हूँ, और जो रह गया है वो हम बाद में लेके आएंगे, तभी भी हम आपसे शेयर करेंगे। ये मेरे लिए एक ब्लॉग नहीं है, ये मेरे बेबी के लिए एक मेमोरी है कि इसे मैं एक ब्लॉग का तौर पे सेट करके एक यादगार बना के रखूँ, ताकि मेरे बेबी जब बड़े होंगे ना तो इसे देख के बहुत खुश हो। इसलिए तो चलिए मैं आपको शो कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या परहेज किया अमेजोन हॉल से और पास वाली ये मॉल से। शायद आप लोग के लिए भी हेल्पफुल हो,
तो चलिए मैं सबसे पहले आपको रोम्पर कॉम्बो बैग शो कर रही हूँ, जो बॉर्न बेबी न्यू बॉर्न बेबी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये एमेजॉन से परचेज किया था मैंने, ये शॉर्ट्स वाले रोम्पर कॉम्बो पैक है। इसमें थ्री पीसेस आती है, इस तरह के कवर में रहती है और ये जो है इस तरह से आती है, देख रहे हो। और इसके अंदर में थ्री पीसेस रहता है कॉम्बो पैक। ये शॉर्ट्स वाली है इस तरह की, तो ये थ्री कलर में थ्री पीसेस आती है इस तरह से। और इस तरह से इसके नीचे में भी बॉटम रहता है, अगर आप डायपर चेंज कराओगे ना बेबी को तो इजीली यहाँ से खुल जाएगी और डायपर चेंज करने के बाद में आप इसको इस तरह से बंद कर सकते हो। ये डे टाइम में हम इसको पहना सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है ये। और कलर में थ्री पीसेस है, ये एक है पैरोट कलर में, आपको शायद हल्का सा सफ़ेद दिख रहा होगा और डार्कनेस का वजह से, और ये निपिया ब्लू का साथ में है मिक्स कलर। तो ये है वाइट कलर में मिक्स इस तरह की सेट, तो थ्री पीसेस है इस तरह से। ये शॉर्ट्स रोम्पर है, डे के लिए मैंने परहेज किया है और बहुत सॉफ्ट है, स्मूथ है, न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये रहा रोम्पर शॉर्ट्स रोम्पर में, तो आपको और भी लॉन्ग रोम्पर में भी मैं बता रही हूँ, मैंने लॉन्ग में भी मंगाया हुआ है। ये है लॉन्ग रोम्पर जो फुल स्लीव्स वाली है, ये नाइट के लिए होगा। तो इसमें भी सेम थ्री कॉम्बो पैक है इस तरह से, ये देख रहे हो फुल है। और आगे में इस तरह का बटन, टिकटॉक वाली बटन आएगी इस तरह से, ताकि आप इजीली इसको ओपन कर सको इस तरह से। और जब नाइट में बेबी सोए तो इसको चेंज कर सकते हो आप इस तरह से। और इसका नीचे में स्लीप्स, जो नीचे वाले में सॉक्स भी रहता है, तो सॉक्स एक्स्ट्रा बनाने का आपका जरूरत नहीं है। और ये बहुत कम्फर्ट है और बहुत स्मूथ है बहुत ज़्यादा। और इसमें थ्री पीसेस है, एक ब्लैक में है इस तरह से, और ये ब्लैक एंड वाइट मिक्स कलर है, और ये इस तरह से, ये वाइट में बहुत सारे कलर मिक्स है, इस तरह का पैटर्न है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो इस तरह के कॉम्बो पैक, थ्री कॉम्बो पीसेस जो होता है ना रोम्पर का, तो बहुत सारे कलर्स में आएंगे आपको। अगर आपको कौन सा कलर पसंद है ये आपका ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह के कलर चूज करना पसंद करेंगे, बट मुझे ब्लैक एंड व्हाइट बहुत पसंद है, इसीलिए इस तरह से मैंने लॉन्ग रोम्पर मंगाया नाइट के लिए मेरा बेबी के लिए। तो ये बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है। ये रोम्पर पीसेस जो नाइट वाली है थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, बट चलेगा, क्योंकि हमारे बेबी हमेशा एक जैसे रहने वाले नहीं हैं, वो बढ़ते ही जाएंगे। अगर बेबी का साइज बड़ा होगा तो ये उसके लिए परफेक्ट होगा, अगर थोड़ा ढीला भी होगा तो चलेगा, क्योंकि इसको जब हम डायपर पहनाएंगे ना तो इजी होगा खुलने में और बंद करने में, तो चेंज करने में हमें काफ़ी आसानी होगी। इसलिए मैंने थोड़ी सी बड़ी साइज इसमें परहेज किया है रोम्पर में। तो ये रहा हमारा टू स्टेप रोम्पर, एक शॉर्ट्स में डे के लिए और एक नाइट के लिए लॉन्ग रोम्पर। तो ये दोनों हुआ रोम्पर का कॉम्बो पैक, और भी बहुत सारे मैंने परचेज किया है जिसे मैं आपको बताऊंगी। तो अमेजोन हॉल से और एक चीज परहेज किया है, ये शॉर्ट्स है जिसका कॉम्बो पैक आता है फाइव सीट्स, ये रहा। तो फाइव कलर में शॉर्ट्स वाली, नीचे वाली शॉर्ट्स जो बहुत सॉफ्ट कपड़ों पे है, ये भी बहुत सॉफ्ट कपड़ा है बहुत ज़्यादा, और इस टाइप की है ये। तो ये भी थोड़ी सी बड़ी दिख रही है आपको, है तो जीरो साइज, जीरो साइज से थ्री मंथ तक हम इसको पहना सकते हैं। और बेबी का साइज क्या होगा रियली डोंट नो, छोटा भी हो सकता बड़ा भी हो सकता, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होने से चलेगा क्या, आपका बेबी को आप पीछे तक आप पहना सकते हो, इसलिए इसमें फाइव कॉम्बो पैक
एक पैकेज के अंदर 5 पीसेस है, तो 5 कॉम्बो पैक सॉर्ट से ये भी मैंने अमेजोन से परचेज किया है। तो ये 3 चीजें ना मैंने सारा अमेजोन हॉल से ही परचेज किया है, मुझे काफी अच्छा लगा। तो और बाकी का सामान आपको मैं बता रही हूँ, तो सारे मैंने पास वाले शॉपिंग हॉल मॉल से लेके आई हूँ शॉपिंग करके, तो ये भी आपको मैं अभी बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो हमने जो सिर पे लगाते टोपी उसका 2 सीड्स लिया है, और इसके साथ में ये एक पीसेस टोपी, बहुत स्ट्रेचेबल है और बहुत कंफर्ट फैब्रिक से बना हुआ है ये। और इसके साथ में ये छोटे छोटे सॉक्स है और वाइट कलर में, और हैंड में लगाने वाले पंजे भी है छोटे छोटे, जो ये भी बहुत सॉफ्ट है। ये एक सेट है, और इसका जो सॉक्स है ये एक सेट है, और टोपी का साथ में इसका एक कॉम्बो पैक हुआ, ये मैंने पास वाले मॉल से लिया, और रेड कलर में भी मैंने लिया है सेम, ये रेड कलर में है, रेड एंड व्हाइट कलर मिक्स। ये भी बहुत स्ट्रेचेबल है बॉर्न बेबी के लिए, बहुत कंफर्ट होगा। और इसका साथ में भी सेम फैब्रिक है, इसके नीचे का सॉक्स है छोटे छोटे, और ये हाथों के पंजे भी है छोटे छोटे, क्योंकि मेरा बेबी ना अभी जून का मंथ में होगा रेनिंग टाइम पे, तो रेनिंग में हल्का ठंडा गर्म बारिश सब मिक्स होगी, तो ये सब जरूरी है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मैंने 2 कॉम्बो पैक परचेज किया, मतलब मंगाया मैंने मॉल में जाके, ये मॉल से मैंने अपना हाथों से सेलेक्ट करके लेके आई हूँ। क्या पता अमेजोन पे इसके अंदर में साइज क्या हो और कपड़े कैसे स्मूथ हो या हार्ड हो, आई डोंट नो, इसलिए मैंने कुछ सामान अमेजोन से परचेज किया और कुछ सामान मैंने खुद जाके मॉल से लेके आई हूँ। तो ये रहा मेरा टोपी वाला सेट विथ सॉक्स और हाथ के पंजे के साथ में, तो ये 2 कॉम्बो पैक है रेड और वाइट में। तो रोम्पर का कॉम्बो बताया मैंने, शॉर्ट्स का बताया, और टोपी और मोजे सॉक्स का कॉम्बो आपको मैंने शेयर किया। तो अब मैंने मॉल से और भी डे के लिए शॉर्ट्स मंगाया है, जो डे में तो गर्मी ही होगी लगेगी बेबी को, तो इसलिए गर्मी का हिसाब से मैंने इस टाइप का शॉर्ट्स और नीचे का साथ में सेट इस तरह के मैंने डिफरेंस कलर 5 कलर में मैंने परचेज किया है। ये डार्क रेड है, और ये क्रीम कलर है, क्रीम कलर, ये भी बहुत स्मूथ फैब्रिक से बना हुआ है। इसके साथ में नेबिया ब्लू का सेट इस तरह के है, इसका बहुत प्यारा है ये 0 साइज के सब है, साइज सब 0 है, फैब्रिक बहुत सॉफ्ट कपड़ों से है, क्योंकि न्यू बोर्न बेबी हमारा बहुत सॉफ्ट रहता है, तो कपड़े भी बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। तो साथ ही साथ अलग अलग कलर में है, ये भी व्हाइट एंड नेपिया ब्लू मिक्स है, और इसके भी नीचे में अलग सेपरेट है नेपिया ब्लू, इस तरह के सेट बहुत प्यारा प्यारा लुक है। मुझे तो जब मॉल गई थी तो मुझे लग रहा मैं कौन सा चूज करूं, समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने 5 सेट्स उठा लिया है। और ये वेलो में शॉर्ट्स से, इसके साथ में ऊपर में मैंने इस तरह का स्लीव्स हाथ का लिया है, इसमें व्हाइट और वेलो का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये एक है, ये 4 पीसेस हो गए, और ये एक्स्ट्रा मैंने ये थोड़ा सा बड़ा साइज परचेज किया है, ये इस टाइप का, तो इसका ये ऊपर का, ये मैंने 0 साइज से कुछ बड़ा लिया है, ये मेरा बेबी जब 6 मंथ से ऊपर का होगा तब उसके लिए होगा, एक मैंने बड़ा साइज लिया। काफी सारा मैंने 0 साइज का परचेज किया है, लिया है डे के लिए। तो ये सारा रहा मेरा मॉल का बेबी सेट डे के लिए, और साथ ही साथ मैंने लिया है तोलिया जो बेबी के लिए बात के लिए, तो ये भी स्काई ब्लू में है, इस तरह से टोपी है ऊपर में, और बहुत सॉफ्ट फैब्रिक से है ये भी बहुत ज्यादा, और पैटर्न है इस तरह का, और डॉल्स वगैरह लिखा हुआ दिया हुआ है, और कुछ यहाँ पे प्रिंटेड भी है, और बहुत सॉफ्ट है, और काफी सॉफ्ट है, बहुत अच्छा। इसमें मैंने 2 पीस लिया है, क्योंकि अगर एक गंदे होंगे तो एक हम वॉश करेंगे तो एक यूज में लाएंगे, इसमें प्रिंट नहीं है, ये बहुत सिंपल है, ये हमारा
कलर आपको व्हाइट दिख रही है पर ये व्हाइट नहीं है, ये लाइट ग्रीन कलर है। तो लाइट में आपको ये व्हाइट दिख रहा है, ये भी बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, तो इसमें प्रिंट नहीं है, ये बहुत सिंपल है। सिर्फ इसका जो सिर बाजू का टोपी है ना, इसमें प्रिंट है इस तरह का, ये बहुत अच्छा है। और इसमें मैंने 2 पीसेस लिए अपना बेबी के लिए, ये तौलिया बात के लिए, तो और एक पीस लिया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेबी के लिए, ड्राई शीट्स। तो जब बेबी को हम बैड वगैरह में सुलाएंगे ना, तो बेबी सुशु वगैरह करके बैड को खराब कर सकती है, उसके लिए है ये। मैंने अभी काम चलाओ के लिए 1 पीस परेज किया है, मंगाया है, तो बाद में और आएगा उसके लिए। तो इसके नीचे से ऐसे प्लास्टिक का फैब्रिक है और ऊपर से इस तरह से वेलवेट टाइप का सॉफ्ट है, जो बेबी यहाँ पे लेटेगी, और ये नीचे से प्लास्टिक का कवर बना हुआ है, इससे हमारा बैड खराब नहीं होगा। जब बेबी सुसु भी करेगी, बात भी करेगी, तो ये ड्राई शीट्स जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मुझे किसी ने बताया था कि ये जरूरी है, ये लेना ही लेना, तो ये मैंने लिया हूँ 1 पीस, और जब बेबी हो जाए उसके बाद में और परहेज करेंगे। तो ये पिंक कलर में है, बहुत प्यारा। ये रहा मेरा इतना सारा फैब्रिक डिफरेंस, कुछ मॉल से और कुछ अमेज़न से, अमेज़न हॉल से। तो और भी कुछ आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ। अब जो मैं शेयर करने आप लोग से जा रही हूँ वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। जब बेबी, बॉर्न बेबी जब दुनिया में आ जाते हैं ना, ये फैब्रिक से भी सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूरी पार्ट है ये पैम्पर्स। तो ये 0 साइज का है, इसका पैक मैंने कॉम्बो ले लिया है। तो ये अभी काम चलाओ के लिए, टेम्पररी के लिए, जब डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ जाएगा तो मेरा आगे पीछे कोई नहीं है अरेंज करने के लिए। तो मैंने ये लेके अभी एडवांस में रख लिया, क्योंकि जिसका कोई आगे पीछे नहीं होता उसको ही कमिंग सून डेज के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। सो मैंने ये एक कॉम्बो पैक ले लिया है पैम्पर्स का, 0 साइज है। तो ये रहा मेरा डाइपर बेबी के लिए, और दूसरा चीज है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, वाइपर्स। ये भी बहुत जरूरी है, जब हमारे बेबी पोटी करेंगे तो हम बार बार उसको वॉश नहीं करेंगे, इसे क्लीन करेंगे, और उसके जब हैंड सब गंदे होंगे तो भी इसे हम क्लीन कर सकते हैं। तो ये 2 पीस, जो डायपर और वाइपर्स, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है फैब्रिक से भी पहले। तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है जब हम मदर बनते हैं, तो एक अलग ही खुशी होता है। तो बच्चों के लिए छोटी सी छोटी बात हम प्रिपरेशन करके रखते हैं ना, तो हमें काफ़ी आसान हो जाता है, और हमें कोई भागा दौड़ी मचाना नहीं पड़ता, कौन लाके देगा ये सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं ना इसलिए। तो ये रहा मेरा डायपर और वाइपर्स का भी कॉम्बो पैक, बस एक एक पैकेट ही मैंने टेम्पररी के लिए लिया है अभी। तो और भी एक सेट कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये रहा मेरा जॉनसन बेबी किड्स, ये बेबी के लिए, जो शावर के लिए, और जो इसमें ऑयल है, क्रीम है, मसाज क्रीम है, पाउडर है, सोप है। तो ये भी मैंने 500 में परेज किया है मॉल में जाके, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो भी मुझे प्रिपरेशन करना था, मैंने जो बहुत इम्पोर्टेंट था वो इम्पोर्टेंट चीज को सब लेके आ गई हूँ या परेज कर ली हूँ अमेज़न हॉल से, और जो भी बाकी रह गया है वो मैं परेज करूँगी, ऑर्डर करूँगी। और भी है काफ़ी चीज़ें, लेकिन मेरा बेबी बाहर आ जाए उसके बाद मैं परेज करूँगी। तो ये सारा चीज़ को आज मैंने आपसे शेयर किया है, हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो ये मैंने एक वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य यही था कि बहुत वुमन्स को जो भी डिलीवरी होने वाली है उसको एक हेल्पफुल हो, छोटी सी छोटी चीज़ बारीकी से मैंने समझा के आपको ये वीडियो का तौर पे बना के, ब्लॉगिंग का तौर पे आप लोग से शेयर किया है। जो भी न्यू मॉम बनने वाली है एंड न्यू बॉर्न बेबी को दुनिया में लाने वाली है जैसे कि मेरी तरह, तो ये था मेरा फर्स्ट शॉपिंग न्यू बॉर्न बेबी के लिए। और जिसका आगे पीछे नहीं होता उसको
आपको खुद के लिए खुद करना पड़ता है, खुद प्लानिंग करना पड़ता है, खुद जीना पड़ता है एंड खुद खुश रहना पड़ता है, हैप्पी रहना पड़ता है ऑलवेज। जैसे कि मैं रहती हूँ यूट्यूब को लेके, आप लोग को लेके और मेरा यूट्यूब फैमिली को लेके, इसीलिए मैं छोटी से छोटी बात जब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड खुशी होती हूँ तो मैं आप लोग के साथ में जाहिर करती हूँ, ताकि ये खुशी का पल देख के आप लोग भी खुश हो और मेरा कमिंग सून डेज में मेरे आने वाले बेबी को भी ये पता चले कि उसकी मॉम उसको कितना प्यार करती है। जो ये एक यादें संजो के रखी है, इसको मैंने वीडियो का तौर पे बनाया और अपलोड कर रही हूँ, वो भी देखेगा बड़ा होके अगर मैं कंटिन्यू YT में एक्टिव रही तो। थैंक यू इतना देर आप लोगों ने मुझे साथ दिया, सुना और देखा समझा, इसके लिए ये रहा मेरा आज का फर्स्ट शॉपिंग न्यू बॉर्न बेबी आने वाले मेरे बेबी के लिए। तो अगर मैं और भी शॉपिंग करूँगी, कुछ भी अमेजोन से परेज करूँगी मेरे बेबी के लिए, तो सेकेंड पार्ट में ज़रूर आप लोग को मैं शेयर करूँगी आप लोग का साथ में। तो थैंक यू सो मच इतना देर साथ देने के लिए, सुनने के लिए और मुझे इतना ज़्यादा लव करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो आप लोग से मैं लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस स्थिति में भी मैं YouTube में बहुत एक्टिव रहती हूँ। अब मेरा टाइम नज़दीक आने वाला है और कुकिंग इज़ माय हॉबी, तो कुकिंग में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कुकिंग करना। तो मैंने कैटेगरी को चूज़ किया कुकिंग कैटेगरी को, तो मैं चाहता हूँ आप लोग मुझसे ऐसे ही जुड़े रहे जो भी मुझसे लव करते हैं, क्योंकि YT में ऐसे बहुत फ्रेंड है जो मुझसे लव नहीं करते, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। और जो भी मुझसे दिल से लव करते हैं YT फैमिली, मेरा YT फैमिली है, जो भी ज़्यादा सपोर्टिव मेरा फ्रेंड है, वो सब मुझसे ऐसे ही कनेक्ट रहे। लेकिन मैं YT में जल्दी वापस आऊँगी, जब तक ये वीडियो आप लोग के पास पहुँचेगा या देखोगे या कभी भी मेरा मैं हॉस्पिटल में हो सकती हूँ। और क्योंकि आजकल मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि माय डेट इज़ कम्प्लीट ओवर, तो मैं बहुत एक्टिव रहना चाहती हूँ और मैं सभी को बहुत सपोर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस प्लेटफॉर्म में एक दूसरे का सपोर्ट कितना ज़रूरी है। एक दूसरे का सपोर्ट बिना नथिंग ज़ीरो, कोई भी कुछ नहीं है। तो सबको सबका सपोर्ट चाहिए है इस प्लेटफॉर्म में, तो मैं मन से बहुत सपोर्ट करना चाहती हूँ सभी को। आई डोंट नो और लोग क्या चाहते हैं, बट मैं इस फील्ड में एक जुनून लेके काम करना चाहती हूँ, ताकि एक दिन मेरा मंजिल मेरा पास हो, मेरा सामने हो। मुझे पैसा से भी ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म में मुझे नाम चाहिए। मैंने ये सोच के इस प्लेटफॉर्म में जर्नी स्टार्टिंग किया। पैसा तो हम कोई भी फील्ड से कमा सकते हैं अगर आपके पास हुनर हो तो, लेकिन नाम हर कोई नहीं कमा सकता। इस जुनून से मैंने जर्नी स्टार्ट किया था, अब पता नहीं ये जर्नी कहाँ जाके रुकेगी, कोशिश मेरी जारी है। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझसे जुड़े रहे और प्यार करें, लव करें, सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को सब शेयर करें। अगर आप लोग मुझे पसंद करते हो तो मैं इतना जज्बाती हूँ ना, कुछ ज्यादा बोलने लग जाऊंगी तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये मेरा कमी है। तो बातों बातों में आंख से आंसू निकल आना, तो मैं स्ट्रोंग होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हर बात में रोना मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता है, लेकिन ऊपर वाला ने क्या करूं, मुझे जज्बाती बनाया है, लेकिन मुझे स्ट्रोंग होके आगे बढ़ना है। और आप लोग भी मेरा बेबी के लिए ब्लेस्ड करें कि ये दुनिया में सही सलामत आए। और एक कहावत है ना कि एक मॉम के लिए प्रेगनेंसी का टाइम ऐसा है, मेरा मॉम बोलती है कि औरत का दूसरा जन्म, यू नो। तो सब कुछ ठीक हो, आप लोग ब्लेस्ड करना कि मैं सक्सेस हो जाऊं, इस दौर को पार करूं और फिर से YT में एक्टिव रहूं। तब तक आप लोग मेरा साथ सपोर्ट बनाए रखना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय फ्रेंड्स।